13 जून को हम सब जानते हैं कि भारत सरकार की सबसे पसंदीदा जो एजेंसी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने राहुल गांधी जी को समन भेजा। कल सुबह राहुल गांधी जी उस समन के जवाब में अपने आप प्रस्तुत करेंगे। देश में हर एजेंसी की स्वतंत्रता निष्पक्ष होनी चाहिए, ऐसा हम सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान डालेंगे, पिछले 7-8 साल में ऐसी कोई एजेंसी नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसी कोई संस्था नहीं है जिसका दुरुपयोग ना किया गया। नेशनल हेरल्ड के नाम से जो अखबार चलता था उस पर आरोप लगाए गए थे और सभी बातों का पूरा विवरण कांग्रेस पार्टी से रखा गया। लेकिन जब जब भाजपा सरकार के खिलाफ कोई भी विपक्षी दल और खासतौर से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अपनी आवाज को रखता है, जब आप इंजॉय करता है, तब तक इस प्रकार का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, इनकम टैक्स और हर तरह की एजेंसी का दुरुपयोग करकर आवाज को दबाने का काम किया जाता है। मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी के आधार पर नेता हर जांच के लिए प्रस्तुत है, लेकिन देश के समक्ष ये बात रखना जरूरी है कि क्या वो कारण है जिन कारणों से जिन संस्थाओं पर लोगों की आस्था थी, आज लगभग देश का हर व्यक्ति मान चुका है कि सीबीआई और ईडी